प्यारे दोस्तों, सन 1994 में हाजियों से भरा जहाज जो हज के लिए उड़ा लेकिन गायब हो गया था, अब अचानक मक्का में उतर आया। जब इस पुरसरार जहाज के अंदर का मंजर देखा तो चीखें निकल गईं। इतने साल ये जहाज कहाँ था? कहानी सेंटर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, एक हैरत अंगेज इंकशाफ 30 साल बाद सामने आ गया। लोगों के होश उड़ के रह गए। 30 साल पुराना जहाज जो हाजियों से भरा हुआ था लेकिन मंजिले मकसूद पर पहुंचने से पहले ही फिजा में ही गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि इस जहाज को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। ना तो इस जहाज की तबाही का कोई भी सुराग मिला, ना ही ऐसी कोई खबर कि जिससे ये इल्म हो सके कि जहाज तबाह हो गया। इस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब अचानक वो जहाज एक मुल्क की सरजमीन पर लैंड कर गया। दोस्तों, वो जहाज कौन सा था? इस जहाज ने कहां से परवाज की थी और क्यों फिजा में गायब हो गया, या फिर वो कहां पहुंच गया था? और अब 30 साल बाद किस मुल्क में इसने लैंड किया और इसके बाद क्या हुआ? जहाज में मौजूद हाजी क्या जिंदा थे? तो क्या उनकी उम्रें 30 साल आगे बढ़ चुकी थी या फिर वो इसी उम्र में इस जहाज पर बैठे थे? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल कहानी सेंटर पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरतअंगेज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, अक्ल को हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आ गई। सन 1994 में हाजियों से भरा जहाज जो सऊदी आने के लिए हवा में प्रवास कर रहा था, अचानक से इस जहाज के पायलट का राबिता एयर ट्रैफिक के अमले से मुनकता हो गया और इसके बाद इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो जहाज कहाँ गया था और फिर कैसे 30 साल बाद वो जहाज मिल गया। जहाज मिलने की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रख दिया। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है नवंबर सन 1994 की एक शाम को कि जब हाजियों से भरा जहाज मलेशिया मुल्क से रवाना हुआ। उस वक्त शाम का वक्त था। चूँकि तमाम मुसाफिर उम्रे के इरादे से घर से निकले थे, इसलिए जहाज में भी ज्यादातर लोग अल्लाह के जिक्र में ही मशगूल थे। कोई उम्रे की दुआएं याद कर रहा था, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा था। पायलट का राबिता एयर ट्रैफिक के अमले से मुसलसल जारी था कि देखते ही देखते अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस जहाज का राबिता मुनकता हो गया। ये देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर बैठे ऑफिसर जो कि सारा निजाम संभाले हुए थे, इस जहाज के पायलट से राबिता करने की कोशिश करने लगे लेकिन कोई भी राबिता इनसे नहीं हो पा रहा था। और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले का राबिता यूं पायलट से मुनकता हुआ हो। वहाँ पूरा अमला परेशान होकर रह गया कि पायलट ने ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया था कि जिससे ये लगे कि जहाज अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है या फिर जहाज किसी भी हंगामी हालत का शिकार है। बार बार पायलट से राब्ते की कोशिश की जा रही थी लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे वो जहाज आसमान पर मौजूद ही ना हो। दूसरी जानिब मलेशिया की जानिब से सऊदीया के जद्दा एयरपोर्ट पर भी इत्तला दे दी गई कि अगर जहाज की कोई इत्तला उन तक पहुँचे तो वो उन्हें इत्तला दें। जद्दा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संभालने वाला अमला तसल्ली देने लगा कि बहुत जल्द उनका राबता उस जहाज से हो जाएगा और जैसे ही राबता होगा वो इत्तला कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। जब 24 घंटे गुजर गए और उस जहाज की कोई खबर ना मिल सकी तो सबको तश्वीश सी होने लगी कि आखिर वो जहाज फिजा में गया तो गया कहाँ, क्योंकि ऐसे किसी फिजाई हादसे की भी कोई खबर मौसूल नहीं हो रही थी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता कि जहाज किसी नागहानी हादसे से दो चार हो चुका है। लेकिन जब दोस्तों 48 घंटे गुजर गए तो बहरी जहाजों को दौड़ाया गया ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कहीं उस फिजाई जहाज के साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया और वो समुन्द्र में तो नहीं गिर गया। लेकिन वहाँ भी ऐसे कोई शवाहिद ना मिल सके। अब तो और भी ज्यादा तश्वीश होने लगी थी कि जहाज कैसे यूं गायब हो सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर फिजा में दौड़ाए गए लेकिन ना तो मौसम के खराब होने की कोई इत्तला मिली थी कि धुंध की वजह से राबता करना मुश्किल हुआ हो और जहाज हादसे में शिकार होने का शक भी हो सके। बजाहिर ऐसा कुछ ना था लेकिन फिर भी वो जहाज ना जाने कहां चला गया। उस जहाज की तलाश कई हफ्तों तक की गई। गालिब गुमान यही रहा कि जहाज किसी नामालूम जगह पर जाकर तबाह हो चुका है। मुसाफिरों के लवाहकीन अपनी जगह परेशान थे, बार बार पूछ रहे थे कि जहाज कहां चला गया, लेकिन अमला खुद इस बात से बेखबर था।
दोस्तों सच तो कुछ और ही था, और ऐसा अनोखा सच के सुनकर अकल हैरान रह जाएगी, और ऐसा अनोखा सच के सुनकर अकल हैरान रह जाए। कई माह तक उस जहाज की तलाश जारी रही, लेकिन उस जहाज के बारे में कोई इत्तलाआत मौसूल नहीं हुई। सब लोग अब मायूस हो चुके थे। जहाज में सवार मुसाफरों के लवाहकीन को ये इत्तला दी गई थी कि वो अब कोई भी उम्मीद ना रखें। इस खबर से रोना धोना सा मच गया था, लोग परेशान होकर रह गए थे। लोगों को यही इत्तला दी गई थी कि जहाज हादसे का शिकार हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक अमला ये सोच सोच कर परेशान था कि आखिर वो जहाज गया तो गया कहाँ। ये अपनी नौयत का पहला वाकया ना था दोस्तों, पहले भी ऐसे अनोखे और अकल को हैरान कर देने वाले वाकयात इस रूए जमीन पर रोनुमा हो चुके हैं। मार्च सन 2014 की रात कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली मामूल की परवाज में एक घंटे से भी कम वक्त में पायलट ने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गुड नाइट कहा। बोइंग 777 तैयारा 227 मुसाफरों और अमले के 12 अरकान को लेकर वियतनाम की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाला था। इसके बाद उसने अचानक समत बदल ली और जहाज का तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मवासलात का निजाम दुनिया से कट गया। उसने पहले मलेशिया के ऊपर और फिर दूर दराज जनूबी बहर हिंद में उस वक्त तक परवाज जारी रखी जब तक इत्तलात के मुताबिक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। अब तक का सबसे बड़ा और महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन 4 साल तक जारी रहा, लेकिन लापता तैयारे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हजारों समुद्री माहिरीन, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और प्राइवेट जासूसों ने लापता परवाज के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी खबर ना मिल सकी। इसी तरह के और भी बहुत से वाकयात तारीख में पेश आ चुके हैं। दोस्तों ये भी एक सवाल है कि बरमूडा मुसलस में चीजें क्यों गायब हो जाती हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो जहाज भी 24 अक्टूबर सन 2016 बरमूडा ट्रायंगल में बादलों के दरमियान 274 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो मकानात को भी उड़ा ले जाती हैं। अमरीकी माहरीन की एक टीम ने मसनूई सियारचों से बरमूडा मुसलस यानी बरमूडा ट्रायंगल के इलाके का तफसीली जायजा लेने के बाद कहा कि शायद उन्होंने इस पुर असरार मुसलस का मुअम्मा हल कर लिया है। इस मुताले के दौरान मसनूई सियारचों से पूरे साल बरमूडा ट्रायंगल वाले 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इलाके की तफसीली तस्वीर ली गईं और उन्हें खंगाला गया। साइंसदानों ने इन तस्वीरों में ऐसे बादल देखे जो शहद के छत्ते की तरह 6 कोनों वाले दिखाई दे रहे थे। मजीद छानबीन पर मालूम हुआ कि इन शश पहलू यानी 6 कोनों वाले बादलों के दरमियान हवा की रफ्तार 274 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँची हुई थी। इतनी रफ्तार पर आने वाले तूफान शदीद तबाही फैलाते हैं और बाज मरतबा हल्के मकानों तक को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी में सैटेलाइट मौसमियात के माहिर डॉक्टर अस्टिव मिलर का कहना है कि समुन्द्र पर शश पहलू बादलों की मौजूदगी ही ये जाहिर करती है कि उनके दरमियान खाली जगह में हवा बहुत ही तेजी से चल रही है, इसलिए उन्हें हवा के बम यानी एयर बॉम्ब्स भी कहा जाता है। उनका ख्याल है कि बरमूडा मुसलस के इलाके में जो मियामी, पोर्टोरिको और जजीरा बरमूडा के दरमियान समुन्द्र में वाकया है, बहरी जहाजों और तैयारों के पुरअसरार तौर पर गुम हो जाने की वजह शायद यही हवा के बम है। और सऊदीया के लिए परवास करने वाला जहाज भी बरमूडा मुसलस की जद में आ चुका है और उसकी कोई भी इत्तला नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक जितने भी तकनीकी आलात वहां भेजे गए हैं और कैमरे भेजे गए हैं ताकि उसकी असल हकीकत का अंदाजा हो सके, लेकिन कोई भी चीज वापस नहीं आई। बरमूडा मुसलस के बारे में अब तक सिर्फ क्या सराइयां ही की जा रही हैं, असल हकीकत से सिर्फ अल्लाह की जात ही वाकिफ है। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदीया जाने वाला जहाज बरमूडा मुसलस की जद में आ चुका था तो फिर 30 साल बाद वापस कैसे लौट सकता था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इस खबर ने धमाका कर दिया कि सन 1994 में अचानक से गायब हो जाने वाला जहाज मास्को में लैंड कर गया। दोस्तों मास्को के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संभालने वाले अफसर का कहना है कि उसे अचानक से एक जहाज की मास्को की जानिब आने के आसार से नजर आने लगे। उसने जब पायलट से राब्ता किया तो वो पायलट कहने लगा कि वो यहाँ लैंड करना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मुल्क है। उस अफीसर ने जब पायलट की बात सुनी तो उसे कहने लगा कि ये मास्को है। ये सुनकर वो पायलट कहने लगा कि वो जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरना चाहता था, फिर यहाँ कैसे पहुँच सकता है। वो अफीसर ये सुनकर हैरान हुआ था। वो कहने लगा कि तुमने कब परवाह
आवाज भरी थी। वो पायलट कहने लगा कि 4 नवंबर, लेकिन उस वक्त जून का महीना चल रहा था। ऑफिसर ने कहा कि कौन से सन का नवंबर? वो कहने लगा सन 1994। ये सुनकर ऑफिसर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सवाल ऑफिसर ने कई बार किया, पायलट की जानिब से एक ही जवाब मिल रहा था। उस पायलट से ऑफिसर ने कहा कि ये सन 2024 चल रहा है और जून का महीना है। ये सुनना था कि पायलट खामोश हो गया और जहाज का रुख यकदम से बदल दिया गया। वो ऑफिसर पायलट से कहता रह गया कि वो मास्को के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए, लेकिन जहाज दोबारा से फिजा में प्रवास करते हुए दोबारा से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पहुंच से दूर होता चला गया। वो ऑफिसर कहने लगा कि जब हमने उस पायलट से ये पूछा कि इतने साल तुम कहां थे और मुसाफिर कैसे हैं, तो वो कहने लगा कि मुझे प्रवास करते हुए बस 20 मिनट ही हुए हैं और मुसाफिर बिल्कुल महफूज हैं। दोस्तों उस ऑफिसर की बात को कोई मानने को तैयार ना था, लेकिन जब तहकीक की गई तो उस ऑफिसर की बात सच निकली थी। लेकिन वो जहाज दोबारा कहां गायब हो गया और 30 साल का अरसा उसे 20 मिनट का क्यों लग रहा था? ये सवाल अब भी सवाल ही रह गए हैं। शायद इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाहु आलम। दोस्तों वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को बंद करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल कहानी सेंटर सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।